अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ठंड लग रही है? ये मेरा हाथ रहा, एक काफी है शायद, ये भी चल रहा है। मंथली बेसिस का लिखा सवाल, स्ट्रेट लाइन करा रहा था, उसमें फुल ईयर बेसिस के दो किए थे जो कि आप सबने सही किए थे, बस मुझे ही कुछ गलत दिख रहा था। मंथली बेसिस से लिखें, बैलेंसेज एज एट 1st जनवरी 23, बैलेंसेज एज एट 1st जनवरी 2023, प्लांट मशीनरी का प्लांट मशीनरी 4 मिलियन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, अच्छा वो कल जो दो सवाल किए थे फुल ईयर के, मैंने उनमें ये निचोड़ शायद नहीं लिखा था कि अगर हम साल के एंड पे जितने एसेट्स हैं उन पे डेफिनेशन कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं ना फुल ईयर में, तो जो एसेट का सीडी है वो वही तो है, ये कल बताया था मैंने, चले बताया था तो ठीक है, जो एसेट का सीडी है ये वही तो है जो साल के एंड पे मौजूद है, तो अगर हम इसी के ऊपर सीधी सीधी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन ले लें तो वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। जो एसेट अकाउंट का सीडी है कॉस्ट, वो वही है जो साल के एंड पे बचे हुए एसेट्स हैं, तो उसी के ऊपर उसी फिगर के ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लें। ये कल जो मैं फुल ईयर बता रहा था उसका कंक्लूजन कह रहे, लेकिन मंथली बेसिस हो तो ऐसे करेंगे फिर, उसमें तो फिर खरीदे बेचे एसेट का उसके हिसाब से ख्याल करना पड़ेगा। चले आता तो आपको यही सारा तो सवाल ही करते हैं। एक्युमुलेटेड का बैलेंस लिखें 1875000, 1875000, ये हो गए बैलेंसेस एज एट 1st जनवरी 23। ऑन 31st मार्च अ मशीन कॉस्टिंग, जी 23, ऑन 31st मार्च 23 अ मशीन कॉस्टिंग 250,000 was sold for 120,000. It had been purchased on 31st December, 31st December 2020, 31 दिसंबर 2020 को खरीदा था ये, 2020। On 1st July 2023, a machine was purchased for 4,400,000. Depreciation is charged on straight line basis. Depreciation is charged on straight line basis over useful life of 5 years. अच्छा नहीं कहा कि फुल ईयर बेसिस है, तो बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस है, तो आपसे रिक्वायर्ड है प्लांट मशीनरी का अकाउंट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023, प्लांट मशीनरी का अकाउंट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 23 करिए। Thank you.
अब शुरू किया है? क्लास में आए हो तो कुछ लिखना अपना कुछ नहीं है? कब? कितनी देर में?
अच्छा, जब मैं चलना फिरना शुरू करता हूँ एंड तक पहुंचता हूँ तो फिर कुछ लोग लिखना भी शुरू कर देते हैं। फर्स्ट जनवरी। अच्छा, ये कैसे पता कि अकाउंटिंग का क्या है? एक तो बैलेंसेस फर्स्ट जनवरी पे दिए हैं और रिक्वायरमेंट में कहा है फॉर द ईयर एंडिंग, तो वो अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है ना, तो अकाउंटिंग ईयर एंड दिसंबर में हो रहा है तो जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है। बीडी 4 मिलियन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट जनवरी 23 बीडी 1875000। इधर क्या क्या हुआ? एडिशन कब? 1 जुलाई। कितनी? 4 लाख। 31 मार्च को डिस्पोजल 250,000, तो 31 दिसंबर सीडी आ गया 4150000। ये तो ठीक कर ही लिया होगा। अच्छा, जो बच्चे ये नहीं कर पा रहे ना कि जी समझ नहीं आ रहा क्या है, तो बड़ा सीरियस मसला है क्योंकि मैंने बहुत स्लो स्लो चलाया है। मैंने तो शुरू में 5 दिन डेबिट क्रेडिट पे भी लगा दिए थे, फिर ये तो जीरो से भी डेफिनेशन पढ़ानी होती है ना। अब तो खैर इंट्रो में पढ़ी होती है आपने, लेकिन जब ये इंट्रो नहीं होता था, ये पेपर एक पूरा 100 नंबर का पेपर होता था जो शुरू से कराना होता था जीरो से, तब भी इतने दिन इस पे नहीं लगाते थे जितने अब लगाते हैं। मैंने बहुत आराम से चलाया, इतने इतने सवाल डेप्रिसिएशन के किए, लेकिन अगर आप ये भी नहीं बना पा रहे होते, बैठे होते हैं कि जी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो बेटे वाकई बहुत सीरियस बात है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीरियसली अगर आपसे ये प्लांट मशीनरी डेबिट ये करना है खाली रखे बैठे के समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो वाकई बहुत सीरियस मसला है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे चल के, और FAR1 मुश्किल पेपर्स में से है, मुश्किल पेपर में से FAR1। अभी इस दफा का रिजल्ट पता नहीं क्या आता है, लेकिन लास्ट टाइम हर 5 में से 4 बच्चे फेल। अब आप अपने इर्द गिर्द देख लें वो 4 कौन से हैं, क्योंकि हम तो पास है ना, वो इर्द गिर्द वाले हैं जो बाकी 4 हैं। डिस्पोजल जो एसेट बिका, ये खरीदा कब था? 31 दिसंबर 2020। तो 2020 तो गया, वो तो आखिरी दिन खरीदा था। 21 पूरा, 22 पूरा और 23 3 महीने, तो कॉस्ट हो गई इसकी 250 डिवाइडेड बाय 5। और जिनको महीने गिनने हैं महीने गिन लें, और जिसको ये बात समझ आ रही है तो 2.25। 2 साल पूरे और क्वार्टर ये, तो 2.25 साल हो गए जी। 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन। फुल ईयर बेसिस में क्या कर रहे थे कि जो साल के एंड पे बचे रह गए थे उन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अब मंथली है, अब हमें ना इन सबको अलग अलग करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं तो दिखाने लगा समझाने के लिए, ये जो साल के शुरू में 4 मिलियन थे, ये इसी में से बिका है या ये कोई और है? इसी में से बिका है, तो इसमें से ये पूरा साल नहीं गुजार पाया, इसके अलावा बाकी पूरा साल गुजारे हैं, तो इसमें से हम 2 टुकड़े कर लेते हैं। 250 वो है जो बिक गया, और बाकी 3750 वो हैं जो पूरा साल रहे, शुरू से लेकर एंड तक रहे, तो इनके ऊपर पूरा साल और इनके ऊपर 3 महीने, नहीं 3 महीने ना, 3 महीने रह के बिका है, और जो नए आए इनपे अभी 6 महीने गुजरे हैं, तो इनके ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन। ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन निकलेगा।
और अगर इसको किसी फॉर्मेट की शक्ल में अगर आपको हेल्प हो याद रखने की तो बता देता हूं कि रिमेनिंग ओपनिंग, और रिमेनिंग ओपनिंग से मेरी मुराद है कि बीडी कॉस्ट वाला माइनस जो बिका उसकी कॉस्ट, इसको मैं रिमेनिंग ओपनिंग कह देता हूं, इस पे पूरे साल की, और जो इस साल खरीदा और जो इस साल बेचा उन पे जितने जितने महीने इस्तेमाल हुआ, मंथली बेसिस में स्ट्रेट लाइन पे, ये समझ ले, याद रखने में अगर आपको हेल्प हो, कि जो साल के शुरू में थे उनमें से जो बिक गया उसको अलग कर दें तो बाकी वो आ जाएंगे जो पूरे साल रहा, और उसके अलावा जो इस साल में खरीदे बेचे हैं वो जितने जितने महीने इस्तेमाल हुए उनके हिसाब से डेप्रिसिएशन। तो 4 मिलियन में से ये बिक गए तो बाकी वो रह गए जो पूरा साल रहे, इन पे पूरे साल की रिडक्शन, और जो बिके वो 3 महीने इस्तेमाल होके बिका उस पे 3 महीने की रिडक्शन, और जो नया खरीदा तो उस पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन, और ये टोटल बन जाएगा 8025। हाँ उसकी एक्युमुलेटेड क्यों ले रहे हैं, कहाँ? हाँ हाँ उसकी एक्युमुलेटेड इंक्लूड क्यों कर रहे हैं या उसकी रेफरेंस फॉर द ईयर चार्ज क्यों कर रहे हैं? अच्छा 31 दिसंबर 23, सीडी कितना बन गया 2565000। इस कैलकुलेशन में बताएं, आपका देता जवाब भी, इस कैलकुलेशन में बताइए क्या नहीं समझ आया, ये अलग अलग क्यों बांटे? क्योंकि इसमें से इतनी कॉस्ट वाला एसेट पूरा साल नहीं चला, 3 महीने चला है, बाकी पूरा साल रहे हैं तो उन पे पूरे साल की रिडक्शन, और जो 3 महीने इस्तेमाल होके बिका उस पे 3 महीने की, और जो इस साल आया था वो जितने महीने इस्तेमाल हुआ। हाँ जी, ये किसी ने सही किया होगा, ऐसे तो सबने किया होगा। चले ठीक है शाबाश। अच्छा एक ना, चलो नॉलेज के लिए कह लें, जो एसेट बिका ये 21 और 22 दो साल पूरा डेप्रिशिएट हुआ था, वो 21-22 पिछले साल हैं, तो इस बिकने वाले एसेट की 2 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके अंदर शामिल है कि नहीं है? है। फिर इस साल में ये 3 महीने और इस्तेमाल हुआ तो 3 महीने की रिडक्शन इसके अंदर शामिल है, ये तो जो एसेट बिका उसके पिछले 2 साल की एक्यूमुलेटेड इसके अंदर शामिल है, फिर हमने इस साल में मजीद 3 महीने डेप्रिशिएट किया तो ये इसके 2.25 साल हो गए, वो निकाल के खत्म कर दिए। इसमें पहले 2 साल चार्ज थी, 3 महीने और चार्ज किए, अब इसमें से 2.25 साल निकाल के बुक्स में से निकाल दिया इसको। बताएं इसमें कुछ पूछना है और? तो चलें ये तो आपने सही कर ही लिया था, तो एक और सही कर दें, और लिखें सवाल। चलें कर लें इसको सॉल्व, अभी नोट कर रहे हैं तो कर लें। अच्छा जिनसे नहीं हुआ था बेटे पूछा जरूर करें ना कि क्या गलती हो रही थी आपसे, किस कैलकुलेशन में मसला है। जी चले लिखिए और सवाल। बैलेंसेज एज एट 1st जनवरी 2023, बैलेंसेज एज एट 1st जनवरी 2023, व्हीकल्स 1.5 मिलियन 15 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 672500, 672500, 672500, ये हो गए बैलेंसेस 1st जनवरी के। फिर इसके बाद देखिए ऑन, अच्छा ये काम की बात थी अगर नोट कर लेते तो, ऑन 30th अप्रैल 2023 अ व्हीकल कॉस्टिंग 180,000 was sold for 100,000. It had been purchased on 1st November
2020 फर्स्ट नवंबर 2020 क्या हो गया है? 26 कहा? मैंने कहा था चले 20, ये कहा था मैंने। ऑन फर्स्ट जुलाई, ऑन फर्स्ट जुलाई 2023 एन ओल्ड व्हीकल कॉस्टिंग 150,000 वॉज एक्सचेंज्ड। क्या हो गया? वो पहले आसान आसान से आप सब करे जा रहे हैं तो मैंने कहा एक्सचेंज डाल देते हैं। वॉज एक्सचेंज्ड विद अ न्यू व्हीकल पेइंग कैश $130,000 एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज फेयर वैल्यू ऑफ न्यू व्हीकल, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू व्हीकल वॉज $260,000 एंड फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड व्हीकल, एंड फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड व्हीकल वॉज 110,000 110 ओल्ड व्हीकल हैड बीन परचेज्ड, ओल्ड व्हीकल हैड बीन परचेज्ड ऑन फर्स्ट जनवरी 2021 डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 20% ऑन कॉस्ट, एट 20% ऑन कॉस्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ के 20% ऑन कॉस्ट स्ट्रेट लाइन, और नहीं बताया फुल ईयर तो मंथली है। चले रिक्वायर्ड है आपसे व्हीकल का अकाउंट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग वही वाला 31st December 2023। चले करें व्हीकल का अकाउंट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2023 करिए। Yeah.
नहीं, प्रॉफिट तो डिस्पोजल अकाउंट में आएगा ना, व्हीकल अकाउंट में तो बस आने जाने वाले की कॉस्ट आनी है। किसकी कॉस्ट? क्या लगता है केस थ्री है फोर है? तो बस केस थ्री। इतने मासूम लोग भी पाए जाते हैं दुनिया में। मैंने अगर फॉर्मेट में एक दफा डिस्पोजल लिखा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि एक ही डिस्पोजल होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। इतने प्यार से मैंने दो डिस्पोजल डाले हैं सवाल में। एक बेच रहे हैं 180 कॉस्ट वाला, फिर उसके बाद जब एक्सचेंज हो रहा है तो वो भी पुराना बिक ही रहा है, तो डिस्पोजल दो है। यार ये क्यों खुद ना खुद चल पड़ता है बयान, ये क्यों खुद ना खुद ऑन हो जाता है? तो Thank you.
फर्स्ट जनवरी 23 पे बीडी 15 लाख, फिर एक डिस्पोजल हुआ था 30 अप्रैल को, इसकी कॉस्ट 180। फिर उसके बाद हुआ है एक एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के अंदर एक पुराना डिस्पोज हो रहा होता है और नया एडिशन होता है, कब हुआ है? 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई को एडिशन भी है और 1 जुलाई को डिस्पोजल भी है। पुराने की कॉस्ट कितनी? 150। नए की कॉस्ट कितनी? फेयर वैल्यू ऑफ पुराना एसेट प्लस कैश 240। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 110 है, कैश 130 है, 280 कैसे? नहीं, 280 भी थी ना बस। अच्छा, ये कैसे पता कि एक्सचेंज का ये तीसरा केस है कि चौथा केस है कि दोनों के फेयर वैल्यू दी है और वो ट्रेडर अनाउंस नहीं दिया, तो तीसरा केस है, ये एडिशन है। तो 31 दिसंबर 23 सीडी आ गया 100000। हाँ, ये भी सबका सही था, मुझे ही नहीं सही नजर आ रहा। जिनसे नहीं हुआ बेटे पूछा करें ना, देखें जो अपनी गलतियां हैं, आप उनको देखें कहां गलती है, क्या फिगर गलत लिख दी थी। व्हीकल के अकाउंट में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 23 672500। अब ये दो डिस्पोजल हैं, तो दोनों की एक्युमुलेटेड यहां से निकालनी है। ये कब खरीदा था? 1 नवंबर 20, तो 2 महीने 20 के, 4 महीने इसके, 6 हो गए और 21 पूरा और 22 पूरा, तो 2.5 साल बन गए। तो 180,000 20% 2.5 years, महीने गिनने, महीने गिनने कितना? 90,000। ये भी सबका सही होगा। और फिर 1 जुलाई 23, ये कब खरीदा था? 1 जनवरी, तो 21 पूरा 22 पूरा और 23 आधा, इसके भी 2.5 साल। और 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन। रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल 15 लाख में से जो बेचे वो दोनों ही निकाल देते हैं, 180 भी और 150 भी, और इस बाकी बचे पे लग जाएगा पूरा साल। इन ओपनिंग में से जो बेचे वो निकाल दिए, तो बाकी वो रह गए जो साल के शुरू से लेकर एंड तक पूरा साल रहे, 1170। इसमें आवाजें कम है, इसका मतलब ये गड़बड़ हो गई कुछ। एडिशन 240 के लिए जिंदगी अभी गुजरी थी 6 महीने, तो 20% 6/12 24,000 जो बिका पहला वाला, ये कितने महीने इस्तेमाल होके गया? 4 महीने 12,000। और जो दूसरा बिका, यानी जो एक्सचेंज हुआ है 150 वाला, ये कितने महीने इस्तेमाल होके बिका? 6 महीने 15,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बन गई। ये पर गलत है, टू एट फाइव ट्रिपल जीरो। चलो, ये प्रैक्टिस। अच्छा, ये जो अब हम कर रहे हैं ना, ये हम एग्जाम क्वेश्चन के काबिल हो रहे हैं, और अब से ऑनवर्ड जो इसमें आई 16 में चलेगा, इसमें तकरीबन यही मेहनत ही बार बार हो रही होगी। और ये रिड्यूसिंग भी करा दूं तो फिर ना, अब अगले हफ्ते में हम आपका टेस्ट कर सकूंगा। रिड्यूसिंग बैलेंस की करते हैं प्रैक्टिस, फुल ईयर करा देता हूं मंथली फिर ट्यूजडे को, उसको नोट कर लें, रिड्यूसिंग करते हैं। Thank you.
हाँ जी किधर, उधर करना कैमरा। हाँ नोटेड। चले रिड्यूसिंग बैलेंस और उसमें भी पहले फुल ईयर। रिड्यूसिंग बैलेंस और उसमें पहले फुल ईयर बैलेंसेस। अच्छा फुल ईयर बेसिस में किस पे डेफिनेशन का रेट लगता है जो साल के एंड पे रह गए? वो स्ट्रेट लाइन था तो उसमें कॉस्ट पे रेट लग रहा था, अब अगर रिड्यूसिंग होगा तो बुक वैल्यू पे लगेगा। फुल ईयर बेसिस की करते हैं पहले। तो सवाल हो गया जी बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 2023, बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 2023, प्लांट मशीनरी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। ये हो गए बैलेंसेस ओपनिंग। ऑन फर्स्ट मई जिसकी ओपनिंग बैलेंसेस इधर उधर गिर गए, दोबारा बता देता हूं। प्लांट मशीनरी बताया है मैंने 3 मिलियन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई है 1 2 3 4 5 6 0। ऑन फर्स्ट मई 2023 अ मशीन कॉस्टिंग 200,000 was sold. It had been purchased on 1st November 2019 on 1st July 2023 a machine was purchased for 360,000. Depreciation is charged at 25% using reducing balance method on full year basis required है आपसे plant and machinery account और accumulated depreciation account for the year, तो पता ही होगा for the year ending 31st December 2023 है क्या बात? जितने के भी की मैं कौन सा डिस्पोजल अकाउंट बनवा रहा हूं।
जनवरी 23 का बीडी 3 मिलियन। फर्स्ट जनवरी 23 का बीडी डिस्पोजल कब हुआ? फर्स्ट मई। कॉस्ट 2 लाख। फर्स्ट मई को डिस्पोजल वाले की एक्यूमुलेटेड या बुक वैल्यू एक्यूमुलेटेड। और अगर आपको थोड़े बहुत शॉर्टकट्स याद हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ये, अपनी जिंदगी के गुजार चुका हुआ था 2019, 20, 21, 22। तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस, ये क्या किया, ये क्या बन गई, ये 4 साल बाद की बुक वैल्यू। कॉस्ट में से माइनस करते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन, 4 साल की छलांग लगाई है ना, है जी। ये क्या किया है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 4 साल गुजरने की बुक वैल्यू निकाली है, कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस की तो एक्युमुलेटेड डिडक्शन आएगी कितनी, 3, 6, 1, 8, 9 कर ले। और एडिशन कब हुई है? फर्स्ट जुलाई 360 सीडी 3160000 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। रिड्यूसिंग बैलेंस है, स्ट्रेट लाइन होता तो इस पे लगा देते, रिड्यूसिंग है, बुक वैल्यू चाहिए, तो साल के शुरू में जो एसेट्स थे उनकी नेट बुक वैल्यू क्या थी, 3 मिलियन माइनस ये 1765440। जो एसेट साल के शुरू में थे उनकी बुक वैल्यू, अच्छा फुल ईयर है, रेट किस पे लगाना है, कब की, जो साल के एंड पे बचे हुए हैं, तो साल के शुरू में इतने थे, जो बेच दिए उसको कर देते हैं इसमें से माइनस, उनकी क्या माइनस करूं इसमें से, कॉस्ट बुक वैल्यू, तो उसकी बुक वैल्यू क्या थी, 2 लाख माइनस 136719 जी,
36 तो नहीं यार, 63281। साल के शुरू में जो एसेट्स थे उनकी बुक वैल्यू, जो बिक गए उनकी बुक वैल्यू निकाल दें और जो खरीदे उनको शामिल कर दें। तो ये क्या चीज बन जाएगी, जो साल के एंड पे बचे रह गए उनकी बुक वैल्यू। नहीं, 2062159 ये है साल के एंड पे बचे हुए एसेट की बुक वैल्यू। इस पे लगाएंगे हम लोग 25%, 515540। ये है जी 31 दिसंबर 23। ले जी, ट्यूसडे को इंशाल्लाह बच्चे कुछ लोगों से मुलाकात होगी, मंडे को वो रिजल्ट की छुट्टी है तो ट्यूसडे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।